तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फोन में थंबनेल कैसे बना सकते हो, मेरे जैसे वो भी किस तरह के यूनिक थंबनेल बनाता हूँ मैं, इस सिंपल में समझाने वाला हूँ। कैसे समझाऊंगा बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है परवेज और इसके अंदर आपको 5 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट कर सकते हो भी अपने फोन में। और भी जितने भी एडिटर थंबनेल क्रिएट करते हैं अपने फोन में करते हैं, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर अपने फोन में भी मैक्सिमम करवाते हैं, जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर का सुविधा वो करवाते हैं, बाकी अपने फोन में थंबनेल करते हैं एडिट। तो कैसे कर सकते हो मैं ऐसे 5 टिप्स बताने वाला हूँ, तो बिना वीडियो स्किप करते हुए वीडियो पूरा देखना दोस्तों, मतलब बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आपका फर्स्ट स्टेप है कि आपको पहले ऐप कौन सा एडिट करना है, किस ऐप के अंदर एडिट करना है ये आपको पता करना है। तो इस ऐप का नाम है पिक्सल लैब। तो आपको क्या करना है, पहले जाना आपको गूगल पे जाने के बाद पिक्सल लैब आपको डाउनलोड करना है, जो गूगल ऐप है उस पर जाकर। मैंने ऑलरेडी पहले डाउनलोड कर रखा है, अब इसको मैं ओपन करता हूँ, उसके अंदर का अगला दूसरा मैं टिप बताने वाला हूँ क्या है। दूसरा टिप हमारा ओपन करता हूँ उसके अंदर, तो ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा, देख सकते हो ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर आपके अकॉर्डिंग ही आपको बैकग्राउंड पहले चूज करना है। पहले बैकग्राउंड कैसे चूज करना होता है, 3 डॉट पे जाना, आपको इमेज साइज पे जाना है, और कस्टम पे जाने के बाद आपको क्या करना है, पहले ही कर लेना आपको थंबनेल यूट्यूब का। उसके बाद दोस्तों ये टेक्स्ट का, इसको डबल क्लिक कर लोगे, इसको डिलीट वाले ऑप्शन में जाने के बाद डिलीट कर सकते हो आप। ऐसे जैसे डबल क्लिक करा, डिलीट कर दिया हमने, जैसे डन करना है, डिलीट करना है, कैंसिल करना है, आपको कुछ भी करना है इसके अंदर, सब चीज़ हो सकता है, देख सकते हो मैंने करके दिखाया आपको। फर्स्ट स्टेप हमने अपना बैकग्राउंड ले लिया, अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है इसके अंदर मैं बताता हूँ। सेकंड स्टेप हमारा ऐसा है कि आपको इसके अंदर बैकग्राउंड कलर चूज करना है, आपको अपने फोटो के अकॉर्डिंग, मतलब अपने वीडियो रिलेटिव भी आपको बैकग्राउंड चूज करना पड़ेगा, बाकी तो आप अपने माइंड में जो आपने बैकग्राउंड ले रखा कलर उस तरह से भी आप कर सकते हो। कैसे चूज करना है आपको, जाना है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे, थर्ड ऑप्शन को क्लिक करना है आपको, थर्ड ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको फिर जाना है इस वाले ऑप्शन पे जो होगा ए वाला ऑप्शन को छोड़ने के बाद आपको फिर थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर फोर्थ वाले पे आना है आपको, लास्ट में जो आएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। सर ऑप्शन मैंने ओपन करके इसलिए आपको दिखा दिया पहले ही, क्योंकि इसके अंदर जितने ऑप्शन है आपको सब यूज करना मैं आपको सिखा दूंगा। अब कलर वाला ऑप्शन सबसे पहले जा रहा होगा ऊपर में, आपको उसको क्लिक करना है, कलर वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। अब आपको लेना कलर, जैसे मैंने व्हाइट ले लिया प्योर या ब्लैक ले लिया प्योर, अब मुझे इसके अकॉर्डिंग आपको लेना है, तो ग्रेडियंट्स पे जाना है आपको, पहले ग्रेडियंट कलर आपको लेना है ग्रीन या आपको लेना है ब्लू। ये आपने हमने ले लिया बैकग्राउंड का अपना कलर। फर्स्ट हमारे यहाँ से हो चुका है स्टेप, मैंने जो आपको बताया फर्स्ट ट्रिक मैंने आपको बता दिया ये है, और सेकंड ट्रिक मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो सेकंड ट्रिप हमारा क्या है, सेकंड ट्रिप हमारा ये होता है कि हम अपने बैकग्राउंड में जो आपके PNG जो लगी रहती है, जैसे PNG मैं बता देता हूँ आपको, कौन सा पेपर वाला PNG हो गया, ये पेपर वाला PNG ड्रॉ भी कर सकते हो आप इसी के अंदर, अच्छा हो तो आप बाहर से भी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल से मैं ज़्यादातर डाउनलोड में बताऊंगा, सबसे आसान हो गूगल से डाउनलोड कर लो। अब उसके अंदर आपको इसके अंदर ऐड करना, जैसे ऐड वाले जो आपको दिखेगा प्लस वाला आइकन, उसको क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे जाना है आपको, और ऐड वाला ऑप्शन खुल जाएगा, और अपनी जो पेपर PNG जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में वो जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये आ चुका हमारा पेपर PNG, हमें इसको स्क्रॉल डाउन कर लूँगा ऐसे, उसके बाद कर दूंगा ओके। हमें इसको क्या कर लूँगा, फिलअप कर लूँगा, जैसे मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ इतना, मैं अपने वीडियो के अकॉर्डिंग, मतलब अपने जो थंबनेल उसके अकॉर्डिंग मैं फिलअप कर रहा हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसको हार्ड पे जाना है, फिर क्रॉप पे जाना है, साइड में कर देना आपको ऐसे, साइड में कर लेना है। ये एरो है आ सकता है, देख सकते हो, अगर आपका साइड बाय साइड नहीं होता तो इस तरह का कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, इतना कर लेना है पूरा डन। अब दोस्तों हमारा इतना हो चुका, अब आप चाहो तो इसको और भी इतना बड़ा कर सकते हो, इसके अंदर हमारा इतना काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, वाला ऑप्शन भी ये खुल जाएगा आपको, ऑप्शन कौन सा वाला, ये खुल जाएगा आपका जो साइड में आप जितने लेयर यूज करें लेयर का ऑप्शन खुल जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्या करना है आपको, प्लस ये जो दिख रहेगा आपको लॉक, उस पर आपको लॉक लगा देना, उसको कर देना, फिर दोबारा हटा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है इसके अंदर, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, फिर जाना आपको थर्ड टिप्स। थर्ड टिप क्या होगा आपको, इसके अंदर आपको टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, और आपको पीछे में जो आपको दिखता है एक स्क्वायर बॉक्स वो कैसे ऐड करना, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो थर्ड स्टेप हमारा ये होगा, और थर्ड टिप ये होगा हमारा कि आपको जाना है स्क्वायर वाला ऑप्शन पे, और जो आप स्क्वायर अपने साइज अपने हिसाब अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, बाकी मैं इतना कर लेता हूँ, देख सकते हो इसको मैंने इतना कर लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ लगा देता हूँ इसको इतना। उसके बाद क्या करना है आपको, डन कर देना है। डन करने के बाद आप इसको यहाँ से ऐसे करोगे अप एंड डाउन, सब तरह का हो जाएगा दोस्तों, चाहो तो आप कैसे भी कर सकते हो। बाकी तो मैं इसको सेफ से एडिट पर जाने के बाद पूरा इसको स्क्वायर बॉक्स ही बना लूँगा। मैंने आपको दिखाया बस खाली एक बॉक्स बना के कि आप बना सकते हो किस तरह से ये बॉक्स। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसको पूरा फ्लिप कर देना है अपने अकॉर्डिंग, जितना मैंने ये कर लिया है चलो दोस्तों इसको कर देना डन। टर्न करने के बाद आपको क्या करना है, फिर लेयर वाला ऑप्शन में जाने के बाद इसको प्रेस करके रखना है 2-3 सेकंड, और ये जो बिंदु बिंदु दिख रहा है कोने में इसको प्रेस करके थोड़ा सा नीचे करो तो ये नीचे वाले में आ जाएगा, आपकी जो फर्स्ट जो आपने यूज़ करा होगा PNG उसके नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा तीसरा टिप्स यूज हो चुका है,
अब हम आप चौथा टिप्स बताने वाले आपको, चौथा टिप्स क्या होगा हमारे इसके अंदर, चौथा टिप्स आपको ये होने वाला है कि आपको टैक्स ऐड करना है। दोस्तों टैक्स कैसे ऐड करना, मैं आपको बताता हूँ, अपने वीडियो के अकॉर्डिंग टैक्स ऐप को ऐड करना है। जैसे आपकी वीडियो होती है आप उसी अकॉर्डिंग टैक्स ले सकते हो, या आप उसी के अकॉर्डिंग ही आप थंबनेल के अकॉर्डिंग ही, मतलब जो वीडियो पे टाइटल लगा हो उसी के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर टैक्स डाल सकते हो। जैसे मैं डाल के दिखा देता हूँ आपको, टैक्स वाला ऑप्शन को कैसे ओपन करना है आपको, फिर प्लस वाला आइकन पर डालना है, टैक्स वाले पे क्लिक करना है, यहाँ आ गया टैक्स वाला, आपको डबल टैप करना है, आइए इसे डिलीट पे जाना है, उसके बाद फिर ऐड कर लेना है। अब आपको किस तरह का आपको चाहिए, मतलब किस यूज के लिए आपको चाहिए वीडियो, उसके बारे में आपको बनाना है। जैसे मैं बता देता हूँ यूट्यूब पे पैसे कैसे कमाते हैं, तो मैं आपको एक टैक्स लिख के दिखा देता हूँ, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब। दोस्तों मैं इतना कर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं डन कर देता हूँ, ये मेरा आ चुका है। फिर आपको क्या करना है, ये वाला जाना है, ए वाला ऑप्शन पे, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ दिखेगा कलर वाला ऑप्शन, तो आपको कलर वाला ऑप्शन में ओपन कर लेना है। कलर वाला ऑप्शन पे ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ही आपको कलर चूज कर लेना। जैसे मैं ज्यादा इसमें येलो कलर चूज कर लेता हूँ, येलो कलर मैंने चूज कर लिया है, येलो कलर आ चुका है, देख सकते हैं इस पे। अब मुझे इसी पे येलो कलर और रेड या डार्क करना होगा, तो आपको ये प्लस वाला आइकन क्लिक करना है, और देख सकते हैं यहाँ से रेड मतलब और हो सकता है बिल्कुल ही ऊपर रेड और बीच में से डार्क हो सकता है, और नीचे से आप बैकग्राउंड के हिसाब से मतलब कलर रख सकते हो। थोड़ा सा मैं रेड, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा येलो में ज्यादा रखने की कोशिश करूंगा, तब कर दूंगा डन। इसका दोस्तों यहाँ से भी अगर आपका काम नहीं बनता है तो ग्रेडियंट्स पे जाइए, और ग्रेडियंट्स पे जाने के बाद आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग ही और भी ले लीजिएगा। जैसे मैंने ग्रेडियंट्स पे ओपन करने के बाद देख सकते हो यहाँ वाला पहले आएगा ऑप्शन जो एरो का होगा, आप इसको ओपन करके यहाँ इसे तो ऊपर जो आ रहा है एरो आप ऐसे कर सकते हो। बाकी मैं इसको क्लिक करने के बाद यहाँ वाला ऑप्शन में क्लिक करूंगा, और इसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा और ले लूंगा डार्क कलर। डार्क कलर लेने के बाद इसको भी सेकंड वाले को भी यही करूंगा, थोड़ा सा अकॉर्डिंग बढ़ा लूंगा और डार्क थोड़ा सा ले लूंगा, उसके बाद ओके कर लूंगा, फिर ओके कर लूंगा, उसके बाद देख सकते हो मेरा हो चुका है ये पूरा फिलअप। अब दोस्तों अब मुझे क्या करना है, इसको कर देना डन। डन करने के बाद क्या करना है, अब आपको जाना है ये स्टाइलिश वाले ऑप्शन पे, स्टाइलिश वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इसको बीच वाले को ओपन कर लेना है, उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, कर देना डन। इतना हो चुका हमारा काम इसके अंदर। अब टैक्स वाले में आपको क्या करनी पड़ती है, इसके अंदर चेंजिंग फॉन्ट्स, फॉन्ट्स वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे आपको डिफरेंट फॉन्ट्स इसके अंदर ही मिल जाएगा। आप बाहर से चाहो तो बाहर से भी डाउनलोड कर सकते हो, बाकी तो मैं कहूँगा आपको डिफरेंट फॉन्ट्स इसमें मिलेगा, तो आप उसका यूज करके बेस्ट एडिट कर सकते हो। तो मैं जैसे इसी का ज्यादा डिफरेंट यूज करता हूँ तो उसको कर दूंगा मैं, ये देख सकते हो ये वाला ऑप्शन जो आएगा तीसरा, इसको आपको क्लिक करना है, उसको कर देना ओके, फिर देख सकते हो ये वाला आ चुका है, हो चुका डन। ये मेरा इतना हो चुका, अभी मुझे इसमें और मजा नहीं आ रहा देखने में, तो आपको क्या करना है फिर डबल क्लिक करना है इसको, फिर इसके बाद नीचे जाने के बाद अब आपको क्या करना है शैडो वाले पे ऑप्शन को क्लिक करना है, फुल शैडो कर देना, ब्लश को बिल्कुल लो कर देना है, तो चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बाकी तो मैं लो ही कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हो यहाँ कलर्स बहुत सारे होंगे पॉपअप करने के लिए, व्हाइट है, येलो है, आप कोई से भी कलर का बैकग्राउंड में डाल सकते हो जो होगा आपकी शैडो, तो मैं ब्लैक ही कर लेता हूँ और थोड़ा सा ब्लश को बढ़ा लेता हूँ और इसको कर देता हूँ डन। जो दोस्तों के इंग्रेज शैडो पे क्लिक करना है आपको दोबारा, उसके बाद इसको ओपन कर लेना है, इसके भी ब्लर को पूरा माइनस कर देना है और अपने अकॉर्डिंग ही रख लेना आपको कलर बैकग्राउंड का जो है। दोस्तों इसके अंदर हमारा डाउनलोड हो चुका है, तो आई होप आपको चौथे स्टेप आपको समझ आ चुकी। अब पांचवी स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, जो मोस्ट पॉपुलर स्टेप होगा आपका क्या होगा, आप अपने ही माइंड से आप जिस अकॉर्डिंग वीडियो बना रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, PNG डाउनलोड करके इसके अंदर ऐड करना है। तो मैं जैसे यूट्यूब के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, यूट्यूब से आप पैसे कैसे कमा सकते हो, तो मैं यूट्यूब के ही PNG यूज करूंगा इसके अंदर। जैसे मैं फिर ऐड वाले पे गया, 3 डॉट पे जो है उसको क्लिक करा, फ्रॉम गैलरी पे गया, फ्रॉम गैलरी पे जाने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको यूज करना है इसको। तो मैंने ये वाला ले लिया ऑप्शन, ये मेरा आ चुका है पूरा PNG जो होगा यूट्यूब का, इसके बाद यहाँ छोड़ दूंगा मैं इसको। फिर जाना क्या है मुझे, लेयर वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, लेयर वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, पहले जो आपने टेक्स्ट लिखा होगा उसको आपको लॉक कर लेना है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको आना है अपने PNG वाले पे। PNG वाले पे आने के बाद आपको क्या करना है, PNG वाले पे आगे हम उसको आपको थोड़ा सा शैडो को छोटा कर लेना, मतलब PNG को आपको छोटा कर लेना है, एक छोटा एक PNG बड़ा, तो आपको जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी कर सकते हो, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके बाद कर देना डन। डन करने के बाद आपको क्या करना है, फिर जाना है लेयर वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, फिर लॉक लगा देना है इसको, फिर जाना है इस वाले जो आपको ये दिखेगा आपको पेंसिल आएगा उसको क्लिक करना है आपको, फिर डबल वाले कॉपी वाला ऑप्शन आएगा, कॉपी वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेना है, कॉपी वाला ऑप्शन को क्लिक करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, इतना कर लूँगा बड़ा, यहाँ छोड़ दूंगा दोस्तों इतना, जाने बाद इसको कर दूंगा डन। फिर जब लेयर वाला ऑप्शन पे फिर इसको कर दूंगा लॉक, अब इसके बाद देख सकते हो मेरा काम इतना हो चुका है, अभी भी मज़ा नहीं आ रहा। तो अब आपको इसके अंदर क्या करना है,
अब इसके अंदर और एक दो पीएनजी ऐड करनी है, या चाहो तो आप अपने यूट्यूब चैनल का पीएनजी ऐड कर सकते हो। ऊपर जो या ब्रैकेट जो दिख रहा हो आपको खाली खाली सा, उस ब्रैकेट पे आप यूज कर सकते हो, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चाहो तो यूज करो, बाकी मैं कहूंगा और यूज करोगे तो और क्रिएटिव लगेगा आप माइंड के अनुसार। उसके बाद आपको क्या करना, फिर जाना लास्ट एंड छठा ऑप्शन, मैं बताता हूँ। इसके अंदर आप जितना भी माइंड लगाओगे उतना ही और आपको ऑप्शन खुलते जाएगा। तो मैं आपको ये बेस्ट सलूशन दूंगा कि आप अपना माइंड लगाओ और लेयर लगाओ। मैंने आपको खाली एक हिंट देने के लिए आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर हिंट देके कि आप कैसे अपने क्रिएटिव माइंड से यूज करके और बैकग्राउंड बैकग्राउंड आप थंबनेल बेस्ट बना सकते हो। तो आप मुझे क्या करना है, फिर जाने से वाले प्लस वाले आइकन पे, और क्या करना है, फ्रॉम गैलरी पे जाने के बाद आपको अपनी खुद की पीएनजी जो आपने पहले से यूज कर रखा उस पीएनजी को लेके आ जाना है। जैसे मैंने पीएनजी ले लिया, इसको कर दूंगा डन। अब इस पीएनजी को मैं यहाँ सेटअप बिठा लेता हूँ, देख सकते हो। सेटअप बिठाने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो आपका थर्ड ऑप्शन उसको क्लिक करना है आपको। थर्ड वाला ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा क्रॉप्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दो ये दोस्तों दिख रहा है साइड वाले दो ऑप्शन, इस वाले को आप ओपन करना है, ओके। उसके बाद कर देना डन। अब इसका जो आपका इस साइड वाला होगा पर्सन उस साइड हो जाएगा, इस साइड वाला फ्लिप होकर इस तरफ हो जाएगा, देख सकते हो। इसको मैं ऐसे बिठा लेता हूँ, इसको कर लूँगा डन। इतना हो जाने के बाद मैं इसको करूँगा फिर लेयर वाला ऑप्शन में क्लिक, फिर कर दूँगा लॉक। लेयर वाला हो चुका है मेरा लॉक। आई होप आपको वीडियो अभी तक समझ में आ गई हो। वीडियो समझ आई हो तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना दोस्तों। और मुझसे दोस्त जोड़नी है, मुझे आपको आपसे दोस्त जोड़नी है, जरूर सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी दोस्ती हम दोनों की बन पाएगी। तो यार इतना काम हमारा होने के बाद अब क्या करना है आपको, यहाँ पे दो बैकग्राउंड की पीएनजी जो मैंने बैकग्राउंड लिया है अर्निंग, मतलब अर्निंग के अकॉर्डिंग ही मैंने बनाया इसके अंदर। तो अर्निंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अर्निंग के पीएनजी होती है जैसे नोट के पीएनजी होती है, वो आपको डाउनलोड करना है गूगल से। डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर आपको ऐड कर लेना है, तो मैं वो भी ऐड करके दिखा देता हूँ। और डॉलर की पीएनजी मनी की पीएनजी, उसका दोस्तों आपको फाइनल रिजल्ट मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो मैं फटाफट इसको ऐड करता हूँ और अगला स्टेप बताऊँ तो आपको क्या होता है इसके अंदर का पीएनजी लेनी है। तो मैंने आपको बता दिया प्लस वाले आइकन पे जाना है, फिर फ्रॉम गैलरी पे जाना है, आपको पैसे वाले पीएनजी ले लेना है। तो ये वाला भी पीएनजी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको पीएनजी का लिंक है, डिस्क्रिप्शन जाके डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप अपने यहाँ पे अकॉर्डिंग लगा सकते हो, मैंने यहाँ लगा लिया है, देख सकते हो इतना कट दिया है। अब इसको कर दूं डन। अब आपको क्या करना है, हमें ये जो दिख रहा होगा आपको ना जो पीछे का, उसको नीचे लाना है, हमें जो बॉक्स के बाहर निकल है ना, अब हमें इसको नीचे लाना है। तो नीचे लाने के लिए करना पड़ेगा, लेयर वाला ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा प्रेस करना है, फिर बता रहा हूँ आपको नीचे कर लेना है, प्रेस प्रेस प्रेस, फिर आपको क्या करना है, प्रेस करके नीचे ले आना है दोस्तों। इतना हो जाने के बाद इसको कर देना डन। डन करने के बाद आपको फिर क्या करना है, दूसरी पीएनजी इसे अकॉर्डिंग ले आना, दो तीन चार पीएनजी डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो मैं फिर जाऊंगा प्लस वाले आइकन पे, प्लस वाले आइकन पे जाने के बाद फ्रॉम गैलरी पे जाने के बाद एक फिर पीएनजी ले आऊंगा। तो ये वाली पीएनजी का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्री पीएनजी है, आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा सा इतना कर लेंगे, अच्छा दोस्तों कर लूंगा इसको डन। अब फिर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसको फिर प्रेस करके नीचे ले आऊंगा, लेयर वाले ऑप्शन को, इसे तो मैं जैसे नीचे ले आ रहा हूँ, ले आया हूँ, अब जो करता हूँ फिर डन। आपको जाना है फिर लेयर वाले ऑप्शन पे, जितने भी आपने लॉक खोल लगा उसको लॉक लगा देना आपको, इससे ये होगा आपका जितने भी इमेज है ऊपर नीचे नहीं दौड़ेगा। देखो दोस्तों इतना हो चुका हमारा छठा स्टेप, मैंने आपको बता दिया पूरा, छठा टिप्स भी दे दिया मैंने आपको कैसे कंप्लीट हुआ है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अभी तक समझ आएगी, थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी, मेरी फर्स्ट वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो आपको समझ में आती होगी कैसे मैंने एक थंबनेल बनाने के लिए इसके कितने सारे मटेरियल यूज करा है। शेयर डन करने के बाद आपको क्या करना है, फिर लेयर वाला ऑप्शन में जाने के बाद लॉक लगा लेना है। जैसा दोस्तों इतना हमारे काम स्टेप इसके अंदर पूरा हो चुका है, देख सकते हो मैंने बताया आपको साफ साफ दिख रहा है हाउ टू मेक मनी अन ऑन यूट्यूब फ्रॉम, मतलब मैंने यूट्यूब से पैसे कमाना सिखा दिया आपको, इसके अंदर कैसे कमाते आप भी कुछ इस तरह का अपने थंबनेल क्रिएट कर सकते हो और अपने माइंड अकॉर्डिंग थंबनेल डाल सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर लाइक कर देना यार, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके साथ में लगा बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।